देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। दिल्ली में कल नगर निगम चुनाव के लिए मतदान है। 4 दिसंबर को मतदान के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ऐसे में इनकी तैयारी के मद्देनजर आज सभी सरकारी स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके बदले 10 दिसंबर को दूसरे शनिवार को स्कूल खुलेंगे। सैन फ्रांसिस्को में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत एस संधू ने कहा कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। गुजरात चुनाव के पहले चरण में कम मतदान की वजह से बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों चिंतित हैं। हालांकि तीनों का दावा है कि वे सरकार बना रहे हैं। बहरहाल 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते गुरुवार और शुक्रवार को पीएम मोदी ने मैराथन रोड शो किया। पश्चिम बंगाल में आज दो धुर विरोधी एक दूसरे के गढ़ में गरजेंगे, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में शनिवार को सभा करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के 1728 निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की रेस शुरू हो चुकी है। स्कूलों ने अपने अपने दाखिला फॉर्मूले में माता पिता की नौकरी, वैक्सीनेशन, परिवहन, कोविड प्रभावित परिवार, प्रतिभावान बच्चा जैसे अजब गजब मानक भी बनाए हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति के लिए चीन, पाकिस्तान और म्यांमार सहित 12 देशों को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ये घोषणा की है। ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक घोषणा है। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध, महामारी और भोजन ऊर्जा संकट के दौर में आर्थिक सुधारों पर अनिश्चितता के बीच भारत को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता मिली है। इन वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में भारत की स्थिति और प्रभाव के लिहाज से G20 जैसे शक्तिशाली और वैश्विक प्रभाव वाले संगठन की अध्यक्षता भारत के बड़े वैश्विक किरदार के दावे को मजबूती से स्थापित करती है। आर्थिक मंदी की आशंका के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में आक्रामक तरीके से इजाफा कर रहे हैं। भारत ने भी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है, लेकिन महंगाई के प्रबंधन के मोर्चे पर भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने दावा किया है कि वे खुद पूरी दुनिया को न्यूरालिंक इम्प्लांट लगवाकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सिक्के जैसी ये डिवाइस चुटकियों में दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। लगवाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये कब लग गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने देश भर में कोविड-19 के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दबाव में भले ही कुछ नियमों में ढील दे दी हो, लेकिन वह शासन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कोताही करना नहीं चाहती। नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच के साथ असंतुष्टों की पहचान के लिए अधिकारियों ने फोटो, संदेश या प्रतिबंधित ऐप्स के लिए लोगों के मोबाइल फोन भी खंगाले हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।